Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel, Medico Study Point. Myself, Dr. Vikas Yadav. So in today's video, we are going to discuss about what is the eligibility criteria for NEET 2022. क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार यू नो डाउट्स आते हैं कि सर हम लोग की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम नीट एग्जाम दे सके, व्हाट इज द मैक्सिमम अपर एज लिमिट, ये भी क्वेश्चन होता है. देन सर हम लोग के ट्वेल्थ में एग्रीगेट कितने मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एडिशनल बायोलॉजी लिया होता है या उन्होंने ओपन स्कूलिंग होती है, वो सारी भी बातें मैं डिस्कस करूंगा. एंड उसके बाद व्हाट इज द यू नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स हम लोग दे सकते हैं, तो इन डिटेल डिस्कस बात करते हैं. ओके, उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. अब स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले मैं आ जाता हूं आप लोग के 12th क्लास के परसेंटेज मार्क्स पे. तो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू ऑल हैव टू डू इज इट इज मैंडेटरी टू पास एवरी सब्जेक्ट इन 12th क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश. ये जो चार सब्जेक्ट है आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में पास होना अनिवार्य है. यू हैव टू पास इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स. देन सर कितने भी मिनिमम मार्क्स चल सकते हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट जोड़ा जाता है. एग्रीगेट का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में आपके टोटल मिला के कितने मार्क्स होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट. अब जो नीट 2022 का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है उसके अंदर बोला गया है कि अगर एक आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए. ये जनरल के लिए हो गया. उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो मिनिमम यू नो 40% होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आप ओबीसी एसटी एससी, अगर आप इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपको 40% एग्रीगेट चाहिए. ये टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं आप लोग कैसे काउंट करना है आप लोगों को, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स जोड़ के. एंड पासिंग इज 100% यू नो मैंडेटरी, आप पास होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सर अगर हमने ओपन स्कूलिंग से किया है तो अभी तक ओपन स्कूलिंग का भी जो यू नो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, कोई वर्डिक्ट आया नहीं है, इसीलिए आप लोग एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो. अनदर थिंग सर, हम लोगों ने एडिशनल में बायोलॉजी लिया है, यू नो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स द मेन सब्जेक्ट है, एडिशनल बायोलॉजी ले ली, या हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ट्वेल्थ पास की, फिर हमारा मन हुआ कि नहीं अब हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना, और हमने एडिशनल में अलग से बायोलॉजी लेके किया. Yes, ये दोनों कंडीशन में आप लोग एलिजिबल हो एंड यू कैन गिव नीट 2022 एग्जाम. तो ये तो हो गया पूरा परसेंटेज मार्क्स वाला क्रिटेरिया. अब आ जाता हूं एज पे. सो एज के अंदर गाइज आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 इयर्स होनी चाहिए. मुझे लगभग यू नो 1000 से ज्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2005 है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2006 है, कोई बोल रहा है 7 है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मैसेज. तो एक चीज क्लियर रखो, 31 दिसंबर 2022 के अंदर जितने भी सारे बच्चे हैं अगर आप लोग 17 इयर्स के हो जाते हो दैट मींस यू ऑल आर एलिजिबल फॉर नीट 2022. मिनिमम 17 साल का होना है आपको 31 दिसंबर तक. इज इट क्लियर? सो ये तो हो गया मिनिमम एज लिमिट. अब मैक्सिमम एज लिमिट पे आते हैं. तो मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है, उस पर पिटीशन फाइल है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. लेकिन जब भी आपकी यू नो एनटीए बुलेटिन जारी करता है वो उसके अंदर मेंशन करके भेजता है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों की मैक्सिमम एज है 25 और जो आपके एससी ओबीसी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 35 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है. इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ एनटीए वाला, ठीक है. तो ये अभी माना नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है. तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे है यू एवरीबडी कैन गिव नीट एग्जाम टिल वॉट एवर एज यू आर. यू नो आप 40 के हो, 50 के हो, 35 के हो, 40 के हो, यू नो लास्ट ईयर 2020 में आई थिंक सो उड़ीसा के एक वो थे अंकल थे जिनकी एज आई थिंक सो 70 ईयर्स कुछ थी, प्रधान जी. So he has also, you know, clear NEET in 2020. So yes, you can give exam whatever your age, okay? Now I'm coming to the number of attempts. Because you ask, sir, I have 3 attempts, 4 attempts, I'm a dropper and blah blah. So kids, abhi bhi attempt ke upar koi bhi, you know, restrictions नहीं है. आप जितने भी, because जब age पर restriction नहीं है तो attempts पे भी नहीं है. आप जितने भी attempt दे सकते हो उतने दे सकते हो. But please don't take this advice as a, you know, in a wrong way कि नहीं भाई मेरे पास तो भर भर के attempts है, मैं तो देता रहूंगा, कभी ना कभी तो निकलूंगा. It's not like that. You have to think that this is the last attempt which you are going to give, you know. अगर आपने सोच लिया कि नहीं बस ये मेरा last attempt है, अब मुझे इस साल निकालना ही है, अगले साल का वेट मत करो. अगर आप अगले साल का वेट करोगे तो और 3 लाख बच्चे आपके कॉम्पिटिशन में जुड़ जाएंगे, और अगले साल जाओगे तो वो 6 लाख हो जाएंगे और ऑलरेडी 12 लाख है. Can you imagine the cycle? So this is going and going and going. So please, ठीक है? I hope so. These are all the points which are, you know, आप लोगों को बहुत सारे doubts लेके आते थे. सर 12th में कितने marks हों? Age limit क्या हो? Attempts क्या हो? Everything I have cleared. So thank you guys. Thank you for watching this video.
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार अगर अभी तक नहीं किया है तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, कुछ भी मेरे से बात करना है तो मैं वहां पे आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल द टेक केयर, बाय बाय, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग।